हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होने। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे मामू की शादी है, सो शादी है शलखर टू स्पीलो। तो यस, अभी बारात आने वाली है स्पीलो से। वो नाको पहुंच गए हैं, तो अभी मामू का घर तो ऊपर बड़े वाले गाँव में है, सो हम अभी वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं हूँ अपने दी के घर में, बाकी मामी भैया भाभी वगैरह रेडी हो रहे हैं। सो गाइज, इस बार की शादी सिर्फ एक ही दिन का होने वाला है, बिकॉज पू से नीचे के जितने भी गांव हैं किन्नौर के, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का शादी होता है। बाकी हमारे अपर में जैसे बड़ी शादी होती है तो वो दो दिन का रहता है, जैसे एक दिन लड़की के घर में और दूसरे दिन लड़के के घर में, इस तरीके से। सो यस, अभी बारात जो है स्पीलो से आएगी यहाँ पे, बाकी दिन में खाना खुना वगैरह खा के फिर हमारे को वापस स्पीलो भी पहुँचना है, मे बी हम रात को पहुँचे। तो यस, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। सो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं अब। सो गाइस, हमारी बारात जो है अब पहुंचने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे गेट के सामने हमारी तीन तीन सुंदरियाँ हमारे बारात के स्वागत के लिए बैठी हैं। तो बारातियों के स्वागत के बाद जो है इनकी खातिरदारी की ड्यूटी हमारे गांव के जितने भी लेडीज़ हैं उनकी लगी हुई थी। तो उसके बाद हम चले गए रेडी होने के लिए, बिकॉज हमें यहां से फिर स्पीलो के लिए निकलना भी था। तो अभी यहां पे हो रहा है गिफ्ट सेरेमनी, और यहां पे ये दो हमारे मामू की बेटियां हैं, तो बाकी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर अपना गिफ्ट, खतक, शॉल वगैरह, जो भी पैसे, टोपी वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बारी बारी से लाइन में लगाते हैं। और अभी यहाँ पे जो मेरे मामू हैं वो सबसे हाथ मिला के यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो मेरे मामू जो है वो स्पीलो में माकपा में है, माकपा मीन्स घर जमाई में। तो इसके बाद जो है हमने बाराती के लिए निकलना है स्पीलो के लिए। Thank you.
अब रेडी हो गए हैं क्योंकि बारात जो है यहाँ से निकलने वाली है स्पीलो के लिए। सो यस, चलिए चलते हैं। हेलो जी, तो अभी यहाँ पे मामू मामी और पीछे साइड को आप ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी गिफ्ट सेरेमनी ही चल रही है। तो यहाँ पे स्पीलो के साइड के जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं तो वो यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना होगा वो यहाँ पे उन्हें देते हैं।
तो यहाँ पे अगले दिन सुबह मामी ने हम सबको टोपी और माला पहनाकर यहाँ से विदा किया। तो उसके बाद हम चल पड़े अपने अपने घर की ओर वापस।